लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के निर्माण और विक्रय की रोकथाम के लिए दीपक आर कलेक्टर बालाघाट ने निर्देश जारी किए हैं तो वहीं जिला आबकारी अधिकारी टी एस के मार्गदर्शन में टीम काम कर रही है मुखबिर की सूचना के आधार पर इस बार कार्यवाही की गई है समनापुर रेलवे स्टेशन से लगे ग्राम ठाकुर टोला में तालाब किनारे 20 प्लास्टिक के डिब्बों में करीब 300 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया गया है जिसके बाद ग्राम डुमड़ी टोला के जंगल से भी दस प्लास्टिक के ड्रमों में पंद्रह सौ किलोग्राम लहान और पंद्रह मटकों में तीन सौ किलोग्राम तीन सौ किलोग्राम लहान व दस प्लास्टिक की बोरियों में चार सौ किलोग्राम लहान बरामद किया गया है तो वही अब तक की कार्यवाही में अगर देखा जाए तो 2,500 किलोग्राम शराब बनाने हेतु तैयार लहान बरामद हुआ है सैंपल लेकर मौके पर उसे नष्ट किया गया है अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है तीन अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आबकारी विभाग ने कार्यवाही भी की है वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट